कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कलेक्शन करके टर्म्स बनाओ और उन टर्म्स के ऊपर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन को लगाओ, तो वो आपका एक्सप्रेशन जो बनके तैयार होगा वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। मैं बताता हूँ, ये कांस्टेंट टर्म होंगे, कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट लिख लो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और ये वेरिएबल होता है, कोई भी आप नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा मैं।
करेंगे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसके बारे में बताऊँगा, क्योंकि जिस रूम में मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें साउंड क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं है, यहाँ पे इको फॉर्म हो रहा है, इको जनरेट हो रहा है, आवाज़ गूंज रही है कमरे में, इसलिए मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करने के लिए वीडियो बंद कर दूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगा एंड प्लीज के ऊपर, ठीक है, तो किसी दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाऊँगा, मतलब उस रूम में बनाऊँगा ताकि आपको बेहतर सुनाई दे। तो आप अभी तक आपने क्या पढ़ा, आपने जान लिया एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पोस्टल डेलिवरी टर्म्स को किसी भी ऑपरेशन के साथ दें, या तो मैं मल्टीप्लाई को हटा के डिवाइड का साइन लगा था, तब भी वो एलजेब्रिक ऑपरेशन था, ठीक है। तो आज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एलजेब्रिक ऑपरेशन देखते हैं, उसका एक एग्जांपल। इसके लिए